छू छू आहा 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 आहा। अब चोनू तैयार होला है तो चोनू पहनेगा कप्पे, है ना चोनू? चोनू पहनेगा कप्पे, लेकिन उससे पहले चोनू के लगेंगे पाउडर, क्रीम पाउडर, क्रीम पाउडर, क्रीम पाउडर। चलो ऐसे लेते, पहले ऐसे लेते, पहले ऐसे लेते चोनू के आर्म्स में, चोनू के इस आर्म्स में, चोनू की गर्दन में। मैं आपको उठा के दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए चोनू को, ये देखिए चोनू को। अब चोनू को पहनाएंगे कपड़े। ये हो गया चोनू तैयार। काजल फैला लिए इसने जल्दी जल्दी में। अच्छा लालकुम कर लो आप सबको, चलो अच्छा लालकुम करो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा मूड ख़राब है क्योंकि मुझे भूख लग रही है। मैं पीऊँगा जुटू फटाफट से। और अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से भी, तो मैं आप जल्दी से दूध पिला देती हूँ, फिर मिलूँगी बाद में। जी यहाँ पर बच्चों के लिए मैं ले आई हूँ खाना, और ये रही मेरी स्पेशल इडलीज एंड सांबर्स। खाइए बच्चों। एक बच्चे का मूड ख़राब हो रहा है, एक बच्चा लेटा पड़ा है, उसका तो पहले मूड ख़राब है। ले वो आप भी खा लो, मैं अपना खाना ले आती हूँ, उसके बाद देखूँगी। ठीक, हाँ दे रही। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हेलो गाइस, से कुछ कहना है आपको, कुछ बताना है? हेलो गाइस, मैं आपको बताऊं, लिबा की ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। वो क्या होता है आपको जोर जोर से? तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें क्या हुआ भाई, तुम्हें क्या हुआ? ये हटा दो अपना दुपट्टा। हाँ हाँ जी, क्या हो गया? हाँ जी सुनो जुजू, ये आ रहा कोई देखती रहती, हाँ तो मैं आपको लिबा की बात बता रही थी। लिबा की हो रही है 3 दिन से तबीयत ज़्यादा ख़राब, इसके पेट में बहुत ज़ोर ज़ोर से दर्द होता है। तो इसके पापा, खैर अभी इसके पापा को मैंने अब जाके सही से बताया है, वरना कल दर्द हुआ था, परसों दर्द हुआ था, तो हमने ऐसे एडजस्ट कर लिया। कल दर्द हुआ तो इसके दादू दवाई लेकर आए इसके लिए, है ना, फिर दादू ने दवाई ला के दी, फिर मैंने वो खिला दी। बहुत दवाई आ चुकी हैं। तो फिर क्या कहते, कल रात को फिर इसके दर्द हुआ इसे पापा के सामने, और अब वो काम पे थे तो फिर इसके दर्द हुआ। तो फिर भैया अब इनके पापा ने अपॉइंटमेंट ले ली है डॉक्टर अंकल से, और अब लिबू कहाँ जाएगी? अलीगढ़ जाएगी। और लिबू में इस वक्त इतना घमंड आ रखा है। झूला गया, झूला खत्म हो गया, अब अलीगढ़ में झूला नहीं है। अब आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, ठीक है? डॉक्टर अंकल से क्या कहोगी? मम्मा ने क्या बताया था, क्या कहना है आपको बताओ ना। हाय गाइस, देख रहे, क्या करोगी? हेलो हेलो करोगी, नमस्ते करोगी, नमस्ते करोगी, क्या करोगी? करूँगी इनके पापा अब ये भी जस्ट आए थे और ये बता के गए वो हमें कि अपॉइंटमेंट ले, हाँ अपॉइंटमेंट ले लिए, तो मैं लेके जाऊंगा। अब वो इन लोगों के लिए फ्रूटी लेने गए हैं, और ये देखो वहीं की वहीं बैठी है। मैं कह रही हूँ मेरे पास तो आ जा, अभी जाने में टाइम तो आई नहीं, कितनी में बैठी हूँ। शी इज सो एक्साइटेड। अच्छा मैं आपको बता दूँ, आहिल भी जा रहा है, आहिल की भी बहुत तबीयत खराब है, तो आहिल भी जा रहा है, लिबू भी जा रही है। इससे ज़्यादा तबीयत खराब है आहिल की? हाँ हाँ, तो बता तो दिया, आहिल की भी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। अब ये मैं कह रही हूँ कि लिबा आ जा, मैं थोड़ा सा इसमें, जब यहाँ से घर गए थे तब भी आहिल की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रही थी। अच्छा ये कह रहे थे मम्मी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा तो फिर उसने दो दवाई खाई। अच्छा एक जो पानी में मिला, जो ग्लास में पानी मिला के पिलाया। अच्छा एक सीरप पिलाया। अच्छा अच्छा, सब बच्चे बीमार हैं, सब बच्चे। मेरी तो खाली नाक चल रही है, इन दोनों की सर्दी हो। लिबू आपको एक बात और बतानी है डॉक्टर को भी, है ना, पापा को बता देना, पापा डॉक्टर अंकल को बता देंगे, ठीक है? सुनो पापा को बोलना, पापा देखो मेरे नोज में खून निकल रहा है, ये दिखा कर आना, ठीक है? नोजी में खून निकल रहा है ना। अरे फूफे बता रहे थे इसका नोज छिला है। छिला तो नहीं है, मैं अभी देखती हूँ। तो यहाँ पर सोनू की छोटी डॉल सोनू के पास है, मैंने छोटी डॉल निकाल दी, सोनू इसके साथ खेलेगा, है ना। पहले तो सोनू इसे देख के ना डर रही थी, फिर मैंने इसकी और इसकी दोस्ती करा दी, दोस्ती। इसका नाम है एला और सोनू का नाम तो हिजा है,
और एला हिजा के नाम से बहुत खुश है, बहुत खुश है। शिनू तुम ज्यादा क्यूट हो कि मैं ज्यादा क्यूट हूँ, ये तो सारे सब्सक्राइबर्स ही बताएंगे। तो सब्सक्राइबर्स आप जल्दी से कमेंट कीजिए कि आपके शोनू ज्यादा क्यूट है या मैं, या हम दोनों सेम टू सेम हैं। शक्ल देख के बताओ, एला के हिजा के हिजा के एला के एला के हिजा के हिजा के एला। आरा कहा सस के बुरा हाल, आरा कहती मम्मा आप कितनी अच्छी एक्टिंग करती। आरा को बहुत अच्छी लगती मेरी एक्टिंग है ना मम्मी। मुझे ये वाली डॉल बहुत प्यारी लग रही है, मैं सोचती हूँ मैं जो सोऊँ ना जैसे ऐसे लेके जाऊँ। ये डॉल है भी बहुत क्यूट है, ये बहुत क्यूट है। और इसको फ्रॉक भी कितनी अच्छी लग रही है, जूते सेम फ्रॉक सेम। ये ना सॉफ्ट टॉय होते हैं, ये छोटे बच्चों के लिए ना ऐसे ही टॉय होते हैं, वो जो प्लास्टिक प्लास्टिक की टॉल्स होती है, बल्कि वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, ये वाली ज्यादा अच्छी होती है। इसकी तो छोटी भी है। कितनी क्यूट आरा जैसी छोटी है इसकी। और ये मेरा है, सॉरी लिबाक का है। दे दो शोनू को, दे दो अब जल्दी। मेरा तो बड़ा वाला है, बड़ा वाला। इससे तो बड़ा ही शोनू खुश। चलो थोड़ी देर तुम लोग इसे दोस्त बन गई है। और मुझे इतनी हंसी आ रही है मम्मा कैसे एक्टिंग में बात कर रही है। ठीक है आप दोनों बैठो, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मिटाओ। रात का बज रहा है 1:30 और आरा का चल रहा है लास्ट टेस्ट कल। हाँ अभी दो चीज़ें रह गई बस, उसको कंप्लीट कराती हूँ। और यहाँ देखो, ढैचू 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 ढैचू। ये सोसो के उड़ गए मोटू। चलो अब मैं इसको पढ़ा लेती हूँ, आपसे बाद में बात करूँ। तो ये है नेक्स्ट डे का क्लिप, और आज मैंने बनाए थे खाने में लौकी के कोफ्ते। और ये लौकी के कोफ्ते बनाने के लिए ना मैं सुबह की, एक तो रात में मैं सोई नहीं, आयरा का पेपर था तो मैं ही 3 बजे रात को सोई, और सोना ही क्या था वो आपको तो पता ही है, फिर पूरी रात बच्चों की बोतलें भरते हुए भागना होता है मुझे, तो वो नींद पूरी नहीं हुई। फिर मैं सुबह आयरा को स्कूल भेज के फिर मैं दोबारा भी नहीं सोई, और मैंने कहा मैं ना सब्ज़ी बना लेती हूँ क्योंकि ये सब्ज़ी में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो फाइनली मेरा खाना बन गया है, चावल कोफ्ते और रोटी। तो आ जाइए आप लोग भी बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए। एक्साइटेड क्यों हो? हाँ जी हाँ जी, ये देखिए। आज मैं इनका मेकअप सेट खोल के इनको दे रही हूँ क्योंकि आज आयरू के एग्जाम खत्म है ना। खोलो खोलो खोलो, लेकिन लड़ाई कोई नहीं करेगा, बता रही हूँ मैं। हाँ। रुको मैं हेल्प करती हूँ। चलो मैंने आपकी इतनी हेल्प करा दी, अब आप खुलो खुलो। एक मिनट पहले मुझे दिखा दो। तो ये कुछ इस तरह से है और ये इस तरह से ओपन होगा। अब निकालिए, इन बच्चों के चेहरे की खुशी देखो आप। लिबो आप एक्साइटेड हो? हाँ रुको 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 रुको, ब्रश बाद में, ब्रश बाद। हाँ 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 आप करना, ये सब खो देती है। रुको देखो ये कैसा है, ये कैसा है देखो, ये सैंडल है। ओ माय गॉड, ये पूरी एक सैंडल है। रुको रुको रुको, लिबो रुको, ये एक सैंडल टाइप में मेकअप बॉक्स है और ये ऐसे खुल जाता है। ओ आराम से, आराम से हाँ इसके ऊपर लगाते हैं। आपने मत लगाओ, पापा गुस्सा करेंगे। अपने ही लगा लिया, अपने मेकअप लगाओगे पापा गुस्सा करेंगे। अपने मत लगाओ कुछ भी, बुद्धू फिर पापा से पिटना है। हाँ, तो पिट लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए तो मेकअप अपना करेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा वो तो पापा बताएंगे फिर क्या होगा। लिबू क्या कर रही है, लिबू ग्रीन वाला लगा रही है भैया। ओ लिबू ये क्यों खराब कर रहे हो तुम लोग इन्हें, मैं इसलिए नहीं निकालती तुम लोग के लिए कोई चीज। अब अपने मुंह खराब कर रहे हो ना, पापा गुस्सा हो जाएंगे। और ये लिप्स हैं, ये मम्मा दी हुई है, ये लिपस्टिक, ये आई शेडो है और ये असली का आई शेडो है। देखना बच्चों ये असली का है।
उसको भी पता है, का है। मैं कह रही थी ना असली का है, अब इसको रखना कहाँ है वो ये। ब्रशेस नहीं खोने चाहिए कोई से भी, ठीक है। मम्मी ये क्या है मम्मी? ये नेल पॉलिश है, बस ऐसी है, इसमें होगी नहीं खेलने के लिए, शो पीस के लिए। लिबू यहाँ रखो, ये रख। आप ही मुझे ये पौड़े दे रहे हैं। ये खुल क्यों नहीं रहा? ये शायद शो पीस है, दिखाओ मैं खोलूं। ओ ओ माय गॉड, एक बार लगा के देखूंगा। आयरा आयरा, पापा गुस्सा करेंगे, तुम तो पिटोगी पिटोगी, मैं भी पिटूंगी तुम्हारे साथ। ओए अल्लाह आयरा, आयरा की खुशी, आयरा पागल लग रही है, एक आंख में स्पार्कल लगा रखी है। कितनी जल्दी झेल जी, कितनी जल्दी जल्दी। हाँ मम्मी ऐसा हो तो नहीं छूट जाएगा। येलो कलर की नेल पेंट लगा रखी है, बताइए नील पेंट भी असली दे दिया इसमें तो। ये टॉय वाला नहीं है ये तो। ओहो ओहो, एक और लगाओ, तुम आज लगाओ, इसके मत लगाओ, पापा गुस्सा करेंगे। क्या, अरे चीख क्यों रही हो? अरे मैं लगा दूंगी, चीखो मत पागल की तरह। लिबू क्या करना चाहती है? लिपस्टिक असली नहीं है, लिपस्टिक असली नहीं है मेरे ख्याल से तो। भाई लपक असली ना हो, असली हुई तो मैं नहीं बचूंगी, असली है। मैं दिखाता तो। लगा के देखो। हाँ हाथ पे लगा के देखो पहले। ओ इन्हें देखिए, इन्हें देखिए। और वो कह रही है मुझे अपने ग्रुप में शामिल क्यों नहीं किया? पापा मारेंगे, पापा आने वाले होंगे, पापा मारेंगे, सबको मारेंगे, तुम्हें भी मारेंगे, मुझे भी मारेंगे। ओ लिबो दिखाना अपना हाथ, ऐसे नहीं ऐसे भी दिखाते। ये देखो कितने गंदे गंदे हाथ कर रहे हैं उन्होंने। चलो बंद रखो, बंद करो, अब इसे बंद करो। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनसुन वर्ट। कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज है हमारी वेडिंग एनिवर्सरी। आप लोगों में से मतलब जो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना, उन सबको याद था, जिन्हें याद नहीं था इसका मतलब ये नहीं कि वो प्यार नहीं करते, लेकिन ये है कि सभी प्यार करते हैं, बस जिन्हें याद था उन्होंने विश कर दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो पहले ही कमेंट आ गए थे, ये वीडियो तो आप लोगों के पास बाद में आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आज के दिन एक्चुअली हम बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, हम बहुत ज़्यादा उदास हैं। हुआ ये है कि हमारे भैया का यानी कि मेरे देवर जो हैं परवेज भैया, उनका हो गया कल रात को एक्सीडेंट, और रात से ही सब मुझे ये बता रहे हैं कि ज़्यादा चोट नहीं लगी, ज़्यादा चोट नहीं लगी। लेकिन सुबह मेरा दिल माना ही नहीं, पहले मैंने कॉल करके पूछ लिया, भैया ने भी यही बताया नहीं ज़्यादा नहीं लगी। तो मैंने वीडियो कॉल करा था, तो वीडियो कॉल करके देखा था तो भैया की काफ़ी चोट लगी है। तब भी से मेरे दिमाग में था कि मुझे जाना है, लेकिन तब तक मैंने मशीन वगैरह लगा ली थी। हाँ तो अब शाम के बज रहे हैं 6, सारे काम मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, अब मैं जा रही हूँ बच्चों को लेके। तो बस से बच्चे भी रेडी हैं और हम लोग सब चल रहे हैं भैया को देखने के। भैया अगर कंफर्टेबल हुए तो पूछ लूँगी, तो आप लोगों को भी दिखा दूँगी, मिलवा दूँगी, और अगर नहीं होंगे तो सॉरी। तो बस सोनू भी रेडी है, अभी बस इन लोगों के सामान रख रही हूँ कैरी बैग में और फिर चलते हैं, ठीक है। आपकी चप्पलें कहाँ गई? दो नहीं है, पता नहीं कहाँ कहाँ पूरा दिन चप्पलें खोई थी, पूरा दिन। अच्छा ये शूज़ इसके बहुत अच्छे हैं, आप लोगों को पता मैंने डेली से लिए थे, थोड़े महंगे, लेकिन वही वाली बात है महंगी चीज़ अच्छी होती है, तो ये इतने इजी पहना लिए जाते हैं, और जो नॉर्मल जो शूज़ होते हैं ना उन्हें फंसा फंसा के परेशान हो जाओ, लेकिन ये आराम से पहना लिए जाते हैं। इधर शोनू को भी दिखा दो, चलो तो मैं दिखाती हूँ। चलू ए चलू, चले चले चोनू, चोनू रहती है चलने के लिए, चोनू रहती है। और ये चोनू की एला यहाँ पर गिरी पड़ी है, चलो एला चलेगी। एला और चोनू बिल्कुल मुझे एक शक्ल की लगती है, तो चलो मैं चोनू को भी ले लेती हूँ। गर्मी बहुत हो रही है बाहर, है ना चोनू, तो पहनने की तो जरूरत है नहीं। हैप्पी एनिवर्सरी मम्मा। अरे यार एनिवर्सरी की कोई मुझे खुशी नहीं है,
चाचू की चोट लग गई इस बात का ज्यादा दुख है ना। कोई एनिवर्सरी फेनिवर्सरी नहीं है, नहीं है कुछ भी नहीं है। आपको घर आपको ना दादी के घर जाके तो कुछ सरप्राइज सा मिलेगा। अच्छा जी ठीक है, चलो तो फिर अब हम चलते हैं। आयल आयल करना, आयल करो, आयल कर। ये लोग बीबी के साथ आराम से गुस्सा कर रही है वो, गुस्सा। ये आयल इसे छेड़ रहा है ना, तो वो आयल को कह रही है मैं खा जाऊंगी। अभी भी देख रही है, इधर 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 पकड़ लूंगी। ये तो मछली भाई है जो पिटली थी इतनी बड़ी होके भी। लिबा की हमेशा रिक्वेस्ट रहती है आहिल तो मुझे मारना नहीं। आहिल आहिल प्लीज। हाँ बाजी कहाँ बिछानी चटे? कमरे में बिछा दो। वो मारेगी तुम सबको पकड़ पकड़ के, सबको पकड़ पकड़ के मारेगी। बैठा नहीं जा रहा मैं, बताऊँ? ये लगी है भैया के चोट। तो जी यहाँ पर खाने में बनी थी आज बिरयानी, ये बिरयानी बाजी ने बनाई है। तो यहाँ पर हम लोग सब खाना खाएंगे और हमारी आई हुई है खलिया सास भी भैया को देखने। इजू इजू बाजी पापा के लिए खाना निकाल आई हो? अच्छा चलो दादी को खूब पहचानती है। कंदू